अज मोहाली विच ट्रक यूनियन ओपरेटरां वल्लों आ रहियां दरपेश मुश्किलां नूं लै के एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच कई मुद्दियां ते विचार चर्चा भी की गई। यूनियन दे आगुआं ने कहा कि ट्रक यूनियन नूं बहाल किया जाए ते नाल वधिया ट्रांसपोर्ट नीति बना के दिती जाए तां जो ओह व्यापारियां नाल वधिया तालमेल करके अपना काम कर सकन। उन्होंने ये भी कहा कि ओवरलोडिंग पूरी तरह नाल बंद होनी चाहिए है ते नाल ठेकेदारां द्वारा जेड़ी ओपरेटरां नाल हो रही लुट नूं रोकिया जा सके। टीवी चैनल वेख रहे सारे दर्शकों नूं नरिंदर सिंह लहल वालों बहुत बहुत सत श्री अकाल। तो मेरे नाल अज मोहाली तो जिन्हें भी साढ़े ट्रक ओपरेटर ने जिहड़े मालक ने वो साढ़े नाल ने, तो अपन समस्या लैके बहुत बुरी तरह गंभीर ने। सो उन्होंने समस्या की जानकारी जी लेने उन्होंने। मेरा नाम जी गुरनाम सिंह जौहल, सूबा प्रधान पंजाब ट्रक एकता जी। ये तड़िया समस्या ने जिन्हों वास्ते इकट्ठे हुए हो, वो कि समस्या ने जिड़िया सरकार तो अजे तक जो पूर्ति नहीं उन्होंने मंगा की हुई? ये इस तरह वा भी जो कांग्रेस सरकार बनी है आंदा सारी कैप्टन साहब ने पहला साड़िया यूनियन भंग कर दिया है। ये क्या है कि किलोमीटर स्कीम देवे, पर इन्होंने कोई किलोमीटर स्कीम नहीं दी तो यूनियन भंग कर दी। अं फिर भी 8-10 महीने तो लगे हाँ कि साड़ी यूनियन बहाल कर दो या किलोमीटर स्कीम दे दो, पर इन्हें लारे लपे रखे आ, कुछ नहीं किया। जिस तरह ओवरलोड चलता ओवरलोड अं बंद किया, गवर्नमेंट का काम है ओवरलोड बंद करना। जितों ओवरलोड तुरदा उन्होंने भी जुर्माना पाना, जिहड़ा लवाउंदा उन्होंने भी जुर्माना पाना, पर यह मामूली जिहा विच इक गड्डी वाले नूं जुर्माना पा दिंदे आ ते किसे ते भी कोई होर कार्रवाई नहीं करदे। उस संबंध सगों परचे साडे ते कीते, नेकां लोकां दीआं जानां ओवरलोड नाल चलीआं जांदीआं, पर इह कम्म गवर्नमेंट दा पर करना सानूं पै रिहा, पर साडे ते उल्टे परचे कीते। असीं उस तों बाद 3 तरीक नूं पूर्ण भारत पंजाब बंद करन दी काल दित्ती, 3 घंटे लई बंद होया। असीं कहा फिर गल करनगे, उस तों बाद इहनां ने की 6 तरीक तों असीं जिहड़ा एयरपोर्ट रोड आ मोहाली उत्थे धरना लाया, 2-2, 4-4 घंटे असीं रोड जाम करदे हाँ, उहदे विच बल्कि परेशान हुंदी आ, पर इन्हां साडी कोई सुनवाई नहीं की। फिर साडी टीम राजे वड़िंग नूं मिली, उहने कहा कि 9 तरीक नूं मैं यूनियन बहाल करा दूंगा ते तुहाडी फाइल ते साइन करते आ, पर सानूं कोई वी उहदा असर नहीं मिलिया। फिर असीं चन्नी साहब की कोठी गए, सानूं कल दा टाइम दित्ता, कल असीं चन्नी साहब नूं मिले, पर उन्हां भी सानूं कोई आश्वासन नहीं दित्ता। असीं हुण जे अजे भी इन्हां को मौका हैगा वा, जे ते यूनियन बहाल कर देंदे आ, किलोमीटर स्कीम लिया ठीक आ, नहीं लिया अं 20 लाख वोटर हाँ पंजाब के, 14 करोड़ जो वोटर आ सारे हिंदुस्तान के। आने वाले समय के जे सरकार ने साडे ये जिहड़ा रुजगार है इनू नुकसान पहुँचाया वा, उन्हां दी ना तो ही सरकार बन दांगे, ना ही उन्हां दे लीडरां नूं पिंडां 'च वड़ दांगे ते ना ही वोट पावांगे। जो हालत भारतीय जनता पार्टी दा किसानां ने कीता वा, उन्हां काले कानून लिआंदे ही, उदों वध इन्हां दा ओह हाल कीता जाऊगा जो कि पंजाब दे विच जिन्नी वी गड्डी आ असीं बार्डरां ते 2-1 दिन दे विच सारा पंजाब बंद करांगे, उस तों बाद सारा हिंदुस्तान बंद, हरियाणा भी साढ़े नाल आ। जे इह किसे गल ते नहीं हुंदे, क्योंकि जिहड़े आ टेंडर ही टेंडर हुंदे ते आ मार्च दे विच ते अप्रैल तों अध तों बाद टवाटवाई चालू हुंदी आ, पर इहनां नूं दीदा भी साडी सरकार नहीं बननी। इहनां पैसे इकट्ठे करन दी खातर जिहड़ी टेंडरां दी काल 20 तरीक दी देती आ, 23 तरीक आखरी देती आ, 27 नूं कढ़ने आ। असीं अजे भी ठेकेदारां नूं कहिंदे आ भी कोई भी टेंडर पाउण दी जरूरत ना करे, असीं पंजाब सारा इकट्ठे आ, किसी का भी ये जो टेंडर पै रहे आने वाले समय में अं टेंडर नहीं ढोवेंगे तो ना ही कोई आरसी साड़ी इन्हों को गई आ, ये जल ही आरसियां ला के टेंडर लै रहे हैं। अं इन्हों कहते भी कोई भी टेंडर ना हो ना कर, नहीं तो अं आने वाले समय से टेंडर इन्हें नहीं ढोवेंगे। बिल्कुल जी, मैं ऑल पंजाब ट्रक एकता तो इंदर सोढ़ी वाइस प्रधान डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी, असं भी ओपरेटर ही हैं जी। बिल्कुल बाय रूट साड़ी कई पुश्ता इस काम के हैगियां ने, सो साडा दर्द असी दसण योग नहीं कि साड़ी की हालात दे विच साडा महकमा है और साडे परिवार किहड़ा संताप झेल रहे ने। सिर्फ एक सरकारां दी बदौलत जिहड़े कि राज गद्दियां लैण तों बाद मैनीफेस्टो दे विच तां बहुत कुछ पा दिंदे ने, पहलां तां बहुत वादे करदे वड्डे वड्डे कि असीं तुहाडे वास्ते इह करांगे, गरीबां वास्ते इह करांगे, पर कोई भी इहनां वल्लों सानूं अज तक कोई चज दी पॉलिसी नहीं दित्ती। भी जद तक जदकि ट्रांसपोर्टेशन एक सब तो वड्डी इंडस्ट्री और महकमा है जिहड़ा पूरे देश की इकोनमी नूं पूरी दुनिया की इकोनमी नूं स्ट्रोंग करता है, पर उहदे बावजूद भी साडे परिवार जो दुख झेल रहे हैं जो दसण योग भी नहीं हैगे। सो सरकारां नूं मैं कहना चाहवांगा प्लीज़ इस चीज़ पर गौर करो, नहीं तो फिर तुसीं कहिंदे हो कि धरने प्रदर्शन हो रहे हैं,
तो मजबूर करते हो रोड़ा बहन सा बजुर्गों की यूथ की साडे पहला किसान भरा साढ़े बैठे रहे हुण साढ़े ट्रांसपोर्ट महकमा बैठे ने कि साढ़े यूथ और बजुर्ग सिर्फ रोड़ा ते रुलन वास्ते रह गए और तुहाडे कोल सिर्फ महल रह गए ने वोटिंग दे सिर ते तुसी बणदे और अपने महल खड़े कर लैंदे हो ते जिन्हां दे सिर ते खड़े हुंदे हो और रोड ते रुल रहे ने दिन रात रोटी तो भी मुहताज ने सो थोड़ी तो शर्म करो कि जिन्हां दे सिर ते तुसी बणदे हो उन्हां दी रोटी बारे सोच लो तुहाडे बच्चों नूं वी उह दुआवां देणगे कि जिहड़ी पहलां तुहाडी जथेबंदियां यूनियन बणियां हुंदियां सी यूनियन तोड़न दा की कारण सी सरकार वल्लों कारण यह सीगा जी कुछ यूनियनों के विच यही सरकार के लीडर जां आपां जिन्हों मंत्री कह सकते हैं जिथे करप्शन होंदी सी इह पूरियां यूनियन 134 यूनियन सी उन्हां दे विच पूरियां दे विच नहीं जी एक दो दे विच जिथे ज़्यादा भुख दे मान लो पैसे कमाउण दे करप्शन दे मंत्री सी जां इंडस्ट्री नूं खराब करन वास्ते उत्थे आपदे चेते नूं बना लैंदे सी जदों अकाली सरकार सी जी तां उह अकालियां ने प्रधान बनाया उत्थे आपदा बिना वोटिंग तों धक्के नाल जी तो जिन्हों लोग चाहते भी नहीं जिंदे कोई ट्रक भी नहीं होंगे तो उस तो बाद जी की किया नहीं सही है जी ये असल च ना जी ये एडा एडी कोई गल नहीं सी कोई यूनियन च करप्शन नहीं है 0% करप्शन आ असल च इन्होंने सरकार ने जोड़े ढोआ ढवाई के टेंडर ने सरकारी वो प्राइवेट बंद दते जाने जो यूनियन रेंदियाँ दते नहीं जाने से जी इस बार जी साढ़े तक खबर है सर कट हरेक जिले के पिछे 2 करोड़ रुपया लिया ठेकेदार तो फिर ठेका दिता जी हुण तुसीं ला लो 23 जिले 46 करोड़ रुपया हो गया एक करप्ट गौरमेंट ने यूनियन च कोई करप्शन नहीं हैगी जी नहीं जी हुण ते इह कांग्रेस सरकार असल मौजूदा सी जिहदे साडियां यूनियन तुहाडियां तोड़ियां कि इह तों पहलां जिहड़ियां सरकारां सी उह जथेबंदियां नूं कबूल करदियां सी जिवें अकाली दल सी जां मैं आल पंजाब ट्रक एकता वल्लों जिला चेयरमैन मुख्तियार सिंह कंबोज जी बोल रहा जी असीं साडियां 5 साल पहलां कैप्टन साहब ने साडियां यूनियन जिहड़े भंग करतियां कैप्टन साहब ने सानू वादा किया कि भी असी जोड़े बेरोज़गार उन्होंने असी नौकरियां देवे तो साढ़े लखों जोड़े पर्यटन ने बेरोज़गार करते साढ़े ना बहुत धक्काफाई की है असी सरकार को बेनती करते भी जोड़िया साढ़िया ट्रक यूनियन है उन्होंने बहाल किया जाए जोड़े साढ़े बेरोज़गार पर्यटन ने उन्होंने माड़ा मोटा जोड़ा उन्होंने हक मिल सके तो जोड़े साढ़े ओवरलोड चलते हैं ओवरलोडिंग सरकार देखो कानून के पहले ओवरलोड बंद है सरकार को बेनती करते भी जोड़े RTO मंथली वगैरह लेंदे ने एंट्रिया वो बंद कित जाना ओवरलोडिंग नाल देखो सड़क भी टुट दिया ने ते जानी मानी नुकसान होंगे तो साढ़े जो ट्रक यूनियन का भी नुकसान होंगे जो एक ट्रक का माल 3 ट्रक पाता जी देखो कि नुकसान है टैक्स 1 गड्डी भरती है माल 3 गड्डिया का पाता है देखो RTO देखो जो प्रशासन है ट्रांसपोर्ट महकमा है कुंभ नी मिली भुगत इन्हों पर तक थलों लेकर पर तक जी भी सरकार को बेनती करते हैं भी जो RTO के इन्हों के सख्त कार्रवाई की जाए जो ओवरलोड बंद किया जाए नंबर 3 इस तरह की तुम्हें लगता कि कांग्रेस सरकार आने वाले समय से जितूगी नहीं नहीं जितती जी साड़ी जी घट्टो घट्ट 20 लाख वोट है साड़ी ट्रांसपोर्टर की परेटर ड्राइवर साढ़े नाल घट्टो घट्ट 1 गड्डी 10-20 बंदे जुड़े हुए हैं जी टायर वाले स्पेयर पार्ट वाले कई साड़ी घट्टो घट्ट 20-25 लाख वोट है पंजाब के आल इंडिया के साड़ी 14-15 करोड़ वोट आई असी देखो यहाँ घराव करा चन्नी साहब का जी साड़िया 1-2 दिन जिन्होंने नाबाल कितिया तो पंजाब के इंडिया के सारे रोड ब्लॉक करा आने वाला सारा मतलब जे ये मंगा तो जल्दी नहीं मने केंद्र तो अगला एक्शन सर एक तो साढ़ा पहला एक्शन सारे असी अपील कर चुके अपने महकमे में जे सरकार नहीं सुनवाई करती तो असं पूर्ण तौर पर इन्हों का ऐलान करते भी पूर्ण तौर पर कांग्रेस का बाइकाट करा जिवें साडे किसान भरावां ने पिंडा और शहरों के BJP का बाइकाट किया वड़न नहीं दिता सी कांग्रेस का भी उही हाल होगा और इन्हों फिर एक गल कहना चाहते थोड़े माध्यम रही कि साडा ट्रांसपोर्ट महकमा तुहाडे तो कोई भी एक पैसे की डिमांड या कोई नौकरी नहीं मंगते सिर्फ ऐसी एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मंगते जिहदे नाल साडा भविख वधिया हो सके तुसीं टेंडर दे रहे हो सरकारी टेंडर जिहड़े मेहनत कर रहे दिन रात मौत मरदे ने कुत्ते की मौत अपना खून पसीना एक करके काम करते हैं तुसीं टेंडर सीधा उन्हां दी झोली क्यों नहीं पाउंदे तुसीं विचोलियां नूं दे के लुट मचा रखी है तुसीं ये देखो गरीब परिवार जिहड़े दिन रात इक करदे आ सीधा उन्हां दे मूँह जाणगे वो तुहानूं किन्नी असीसां देणगे तो उन्हें परिवार खुशहाल रहणगे भी एक बाबा जां कोई ला लईए उहदे कोल 10-15 हज़ार तो वध वोट नहीं हुंदी सारे पोलीटिशन जी किसी भी पार्टी का उहदे अगे पिछे फिरदे हुंदे जी सपोर्ट असीं 20 लाख वोट के मालक हाँ जी पूरा 20 लाख वोट के मालक इस टाइम एयरपोर्ट रोड से 6 तरीक तो पूरे ठंड के मौसम के 80-80 साल के बुजुर्ग जिम्मे गुरनाम सिंह जी जौल साडे कोर कमेटी के मैंबर ने होर भी इस तरह के मालक गड्डिया के 2-2, 3-3 दे बैठे ठंड नाल बाइकाट करांगे जी पूरा कांग्रेस सरकार का इस बार पहली बार हो रहा है दुनिया के इतिहास के भी एक ट्रांसपोर्टर की वोटिंग सरकार बनाने के सरकार ग्राउंड के अहम भूमिका होगी जी साड़ी जो साड़िया यूनियन नहीं बाल सरकार को बेनती करते हैं भी साड़िया पंजाब के 170-165 यूनियन ने जी बिचे टैंपू ट्रक ट्राले ला के साड़ी घट्टो घट्ट 1.5 लाख के करीब गड्डी है जी
ਜਿਹੜੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਦੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟਸ ਲੱਗਣੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।